अपने YouTube चैनल पीडी स्टडी सेंटर पर फ्रेंड्स वोकैबुलरी वीडियो नंबर 9 आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं एंटीसिपेट के बारे में। फ्रेंड्स इसका मतलब होता है आशा रखना, उम्मीद करना, अनुमान लगाना। तो इसके सेंटेंस भी आपको बता देते हैं, यानी कि एग्जांपल। तो देखिए इसका पहला सेंटेंस है वी डोंट एंटीसिपेट दैट हैपनिंग। यहां पे जो आप देख रहे हैं एंटीसिपेट, इसका मतलब है आशा रखना, वही यहां पे प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे डोंट है वो डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, तो यहाँ पे डोंट लिखा गया। आप चाहे तो यहाँ पे डू नॉट लिख सकते हैं और डोंट भी लिख सकते हैं, वो उसका कॉन्ट्रैक्शन है। हम ऐसा होने का अनुमान नहीं लगाते हैं, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू। अगर हम प्लूरल का प्रयोग करें तो डू होती है, या फिर अगर हम सिंगुलर का प्रयोग कर रहे हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब डज होती है। चलिए दूसरा देखते हैं, राघव डज नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉब्लम्स। राघव किसी समस्या की आशंका नहीं करता है, ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। इसमें डज नॉट का प्रयोग है क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए देखिए यहाँ पे राघव की स्पेलिंग नहीं करता था, यहाँ पे डज नॉट क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। एंटिसिपेट आशंका आ सकता है, इसके तो अर्थ तो बहुत है लेकिन आप तब तक इतना ही समझिए। नेक्स्ट, शगुन डिड नॉट एंटीसिपेट अ प्रॉब्लम। शगुन ने किसी समस्या का अनुमान नहीं लगाया था, यहाँ पे देखिए अनुमान लगाना लिखा है, उसी का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, अनुमान नहीं लगाया था, ये है पास्ट का सेंटेंस। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं एंटीसिपेट अनुमान लगाना, वही यहाँ पे प्रयोग हुआ है। प्रॉब्लम समस्या, प्रॉब्लम मतलब समस्या, शगुन। और यहाँ ये पास्ट का सेंटेंस है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, और ये नॉट का सेंटेंस है यानी कि नेगेटिव का, यहाँ पे डिड नॉट लिखा गया। आई डिडंट एंटीसिपेट दैट यू वुड बी हियर। मैंने सोचा नहीं था कि आप यहाँ होंगे। वुड यहाँ पे एक मोडल है, वी वुड बी हियर। मैंने सोचा नहीं था कि आप यहाँ होंगे, यू वुड बी हियर। मैंने सोचा नहीं था, आई डिडंट एंटीसिपेट, ठीक है यहाँ पे दैट का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट, आई डिडंट एंटीसिपेट दैट क्वेश्चन। मुझे उस सवाल की उम्मीद नहीं थी, यहाँ पे देखिए उम्मीद करना लिखा है, उसी का प्रयोग यहाँ पे हुआ, उम्मीद नहीं थी, ये पास्ट का सेंटेंस है और नेगेटिव का, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, तो यहाँ पे डिड लिखा गया। आई डिडंट एंटीसिपेट दैट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए वही कॉन्ट्रैक्शन का प्रयोग हुआ, या फिर आप यहाँ पे डिड नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे डिडंट का प्रयोग है, या फिर आप डिड नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, जो आपको समझ में आए। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।